और हमारे केंद्रीय प्रभारी गण और हमारे सांसद जी खूबा जी, और लास्ट में एक लाइन कही इन्होंने, हृदय स्वामी जी का संकल्प वह हमारा संकल्प बने, स्वामी जी का जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, जो उनका जीवन के लिए जो उनका उद्देश्य है, वह हमारा उद्देश्य बने। इतना ही करना है आपको, एक लाइन में, एक सिंगल लाइन है, आपको क्या करना है। मुझे स्मरण है जब यह अभियान प्रारंभ हुआ, संस्था से उठ करके यह जब संगठन बनने लगा, संस्था चलाना, संस्था का स्वरूप कुछ और होता है, संगठन का स्वरूप और कुछ होता है। जब संगठन बनने लगा, जब आप भाई बहनों में से बहुत सारे भाई बहन प्रारंभ में भी, प्रारंभ से ही जुड़े हैं आप, तो श्रद्धेय स्वामी जी एक बात बहुत कहते थे कि मैं आपको अपनी शक्ति के रूप में देखना चाहता हूं, अपनी भुजाओं के रूप में देखना चाहता हूं, अपने बाजू के रूप में देखना चाहता हूं। यह एक संकल्प था योगी का, और वो हजारों भुजाएं ऊर्जा बन करके श्रद्धेय स्वामी जी के भुजाओं के लिए, चाहे वो छोटी छोटी नस नाड़ियों के रूप में हो, पर आप सपने शक्ति प्रदान की, और आज वो भुजा श्रद्धेय स्वामी जी की इतनी मजबूत भुजा है कि पूरी देश की कोई भी भुजा उतनी मजबूत नहीं है। यह संगठन की शक्ति है, और वह शक्ति आप सबके अथक पुरुषार्थ, निस्वार्थ समर्पण कि करिष्य वचनम तब, स्वामी जी ने कहा है, तो कुछ भलाई के लिए कहा होगा, अच्छाई के लिए कहा होगा, वह आपके लिए भी हित करने की बात होगी, और वह परिवार के लिए भी हितकारी होगी, और समाज और राष्ट्र के लिए भी हितकारी बात होगी। यह जो सोच है आपके अंदर, वो आपको गति प्रदान करता है, और यह सोच जितनी तीव्र होगी, जितना आपके अंदर वो भावना बलवती होती जाएगी, उतनी ही आपकी गति और कार्यक्षमता की वृद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए हमको दोनों बातें, गुरु जी ने जो कहा है उसको करना है, उसको वही व्यक्ति कर पाएगा जो उन गुरु वाक्यों को आत्मसात करेगा। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। यह शंका की यात्रा नहीं, यह शंका से परे होने की यात्रा है, यह जानने की यात्रा है। तो बहुत प्रश्न उठे, बहुत बार उठे, बहुत लोगों ने उठाए, आप सब जानते हैं। उस अतीत और इतिहास में हमको बहुत जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समय की प्रवाह के अनुसार हो सकता है कभी कभी शिथिल भी हुए। शिथिल होने वालों की संख्या शायद थोड़ी सी रही हो, और बाकी लोगों ने उनको शिथिल भी नहीं होने दिया। यह हमारे कार्यकर्ता और संगठन की शक्ति है, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। क्योंकि अभी सांसद जी कह रहे थे, लगती थी जब श्रद्धेय स्वामी जी कहते थे कि कहीं बातें तो नहीं है। सच बात है, बातों का क्या,
कहानी सुनाने वालों की कोई कमी थोड़ी ना है। सांसद जी, इस हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग योग की भी बातें ही सुनाते हैं, आपको पता है, वो योगी हैं और उनको भी आजकल योग के बड़े शंकराचार्य बन करके दिखाया जाता है, पर स्वामी जी भाषण सुनाने वाले योगी नहीं, वो करने वाले योगी हैं। और तुम सौभाग्यशाली हो, यदि यदि स्वामी जी स्वयं योग करके न सिखाते होते ना, तुम्हारे में से 90% सब ऐसे ही महंत की तरह बैठते, योग दूसरों से कराते और तुम्हारा ढोलक सा पेट हो जाता। ये तो स्वामी जी की कृपा पहले तुम्हारे ऊपर इसलिए तो है ना, दूसरे भी योगाचार्य ऐसे। तो ये करने की विधा है, जो करेगा वो पाएगा। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक बात बताऊं, कोई कम्युनिस्ट भाई था, उन्होंने कहा, आपके तरफ भी ज्यादा है, कर्नाटका में भी चलता है, तो उन्होंने कहा कि ये तो मजदूरों को दबाने की बात है। बोले दिन भर मजदूरी कर, बोले पैसे पूसे नहीं मिलेंगे शाम को, है ऐसे ही है ना इसका अर्थ। कर्मण्येव अधिकारस्ते, सुबह से शाम तक मजदूरी कर, मा फलेषु कदाचन, शाम को दिहाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी तुझ परवाह मत कर। तो ऐसा नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मेरा अधिकार क्षेत्र कर्म है, मैं इतना कर्म में निष्ठ हो जाऊं कि परिणाम सोते ही मेरे सामने मुझको दिखने लगे, उस कर्म में आनंद आने लगे। यदि फल की आशा में कर्म करोगे तो शायद वह कभी पूर्ण हो या ना हो, कोई जरूरी नहीं है, पर उस कर्म में आनंद लेकर के कर्म करोगे, जिसके लिए कर्म करोगे वह अपना पूरा हो जाएगा। इसका उदाहरण है भारत स्वाभिमान, इसका उदाहरण है पतंजलि योग समिति, उसके साक्षात उदाहरण है श्रद्धेय स्वामी जी। उस आनंद को, उस कार्य की जो ऊर्जा है, उसकी जो उसका जो मिठास है, मीठा फल है, उसका आनंद लेना आप सीखिए। मुझे पता है प्रधानमंत्री जी अपने हैं, सरकार अपनी ही है, सब मंत्रीगण अपने हैं, सांसद भी अपने हैं, परंतु ये हमारा भारत स्वाभिमान का संगठन और हमारी ऐसी सेना है कि जिसको अपने लिए सरकार से भी कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कोई संगठन है तो भारत स्वाभिमान। ये आपकी ताकत है, ये मत सोच लेना कभी कभी कोई सत्ता के सुख का कोई लाभ ले रहा है, अरे तुम्हारी ताकत है, लाभ बिना लिए भी तुम देश के लिए करते हो, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। लोग कहते हैं, अब मुझे नहीं पता, आप लोग में से बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं, स्टेट में हैं, सेंट्रल में भी हैं, हमने तो ना तो ट्रांसफर कराई सांसद जी, ना हमने कोई प्रमोशन के लिए कहा, ये अपने बलबूते पर, अपनी शक्ति और अपने भुजाओं पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये अच्छा करेंगे तो इनका अच्छा अपने आप होगा। तो ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बाजुओं में भुजाओं में इतना दम हो कि सामने वाले को आपकी कार्य की महत्ता को, आपकी कार्य की क्षमता को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़े। जब तुम्हारे अंदर इतनी ताकत हो जाएगी, मैं भाई राकेश जी से कह रहा था, मैंने कहा भाई ये एजेंडा क्या, थोड़ा बताओ तो, क्योंकि मेरे एजेंडे तो दूसरे हैं, आप लोगों को पता है। मैं रात को दिल्ली था, सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुंच चुका था, तब से कंटिन्यू लग रहा हूं, अभी सुमन बहन जी पहुंच गई थी, लेने आई हूं, लेने नहीं आई थी, सच बात तो ये थी कि देखने आई थी कि कुछ कर रहा हूं कि खाली बैठा हूं, कि मैं आराम से इधर सर्क करके आऊंगा। ध्यान रखना पड़ता है हमको भी, मैं बढ़ता रहता हूँ, अभी हमारे बहुत सारे वो हैं, कुछ आप हमारी खबर लेते हो, कुछ अपने आप लगे रहते हो। तो मैं कह रहा था कि जब आप अपने दम पर, अपने पुरुषार्थ पर जीवन में आगे बढ़ते हो, तो वही है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि वहां पर हम अपने दायित्व का, कर्तव्य का निर्वहन करने में जब पूरी तरह से तल्लीन होते हैं,
हजारों की संख्या में आप देश के कोने कोने से पधारे हो। मुझे पता है कई कई लोगों की रिपोर्ट सही ढंग से पहुंचती होगी, कईयों की नहीं पहुंचती होगी। कोई थोड़े शिथिल हैं, उनकी थोड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन होती होगी। कोई कार्य करते हैं, बेचारों को बताना ही नहीं आता कि मैं काम भी करता हूं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं, बातें तो बढ़िया बना देते हैं, काम बेचारे दूसरे करते रहते हैं। तो सब तरह की हैं, लोग हैं, उसमें कोई बात नहीं। पर मैं इतना कह सकता हूं कि तुम्हारी कर्म की ध्वनि जो है ना, तुम इतनी गुंजायमान कर लेना, क्योंकि आपकी यात्रा वो निस्वार्थता की यात्रा है, आपकी यात्रा समर्पण की यात्रा है, आपकी यात्रा गुरुनिष्ठ होकर के उस लक्ष्य की पूर्ति की यात्रा है। जब हम उस यात्रा के उस पथ के पथिक हैं, तो उस पथ में फिर दूसरी चीज कहीं से भी नहीं आ सकती है। यह हमारा संकल्प है, और जो हमारा संकल्प है यही हमारी शक्ति है। तो उस शक्ति के आप उपासक हैं, उस शक्ति के आप पोषक हैं, धारक हैं, उस शक्ति के आप संवाहक हैं। तो उस ऊर्जा को पहले प्राप्त करना, प्राप्त करके कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास करना, वही शक्ति तो है विस्तार। चाहे वो योग कक्षा का विस्तार करना हो, प्रशिक्षण का विस्तार करना हो, जीवन में ऊर्जा का विस्तार करना हो, सारे विस्तार के जो रास्ते हैं वह खुल जाते हैं। दुनिया का विस्तार करते हुए हम आत्म केंद्रित होने की विधा को सीखते हैं। तो वही श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि बाहर से अत्यंत क्रियाशील और अंदर से बहुत शांति की स्थिति तभी प्राप्त होती है। दुनिया की चाहत से हमारी शांति खत्म हो जाती है, परंतु दुनिया की देने की भावना से हमारी शांति की वृद्धि होती है। यही हमारी संगठन की खुशबू है, सुंदरता है, और यही हमारी ताकत है। और ऐसे भाई बहन आज लाखों की संख्या में इस देश में पैदा हो रहे हैं। यह एक गर्व गौरव और यह एक तरह से प्रसन्नता की बात है। इसी विधा को, इसी परंपरा को हमको जीवित रखते हुए, जागृत रखते हुए लोगों तक पहुंचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। यह सुंदरता, यह परंपरा, यह पौधा, यह किस तरह से वृक्ष का स्वरूप ले सकता है, यही हमारा दायित्व और कर्तव्य है। क्योंकि कभी कभी समय के हिसाब से हम उतरते चढ़ते हैं। जीवन का जो उतार चढ़ाव है वह बाह्य रूप से हो, जीवन की अनुकूलता, जीवन की प्रतिकूलताएं, यह तो हर जीवन में है। ऐसा कोई जीवन नहीं है, एक जीवन की उतार चढ़ाव, एक मन का उतार चढ़ाव, सभी चीजों का कोई भी प्रवाह वह एक सम नहीं रहता है। वह दोनों तरह से उसकी तीव्र और मंद गति होती है, तो उसकी गति अधो और उधो, ऊपर और नीचे भी होती है। परंतु उन सारे गतियों में, उन सारी परिस्थितियों में हमको स्थिर रहते हुए, सम रहते हुए उन सारे परिस्थितियों से पार पहुंचना है। यही तो समत्वम योग उच्यते, इतनी ही तो विधा है। वो कैसे पाएंगे? सौभाग्य है आपका कि ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे मध्य में है। हम अपने किसी भी, जब परिस्थितियां मेरे आपके जीवन में कुछ भी थोड़ी सी भी अनुकूल ना हो, तो उस समय पर देख सकते हैं क्या इस प्रतिकूलता को किसी ने सामना किया था। तो आपको लगेगा यह सामना तो श्रद्धेय स्वामी जी ने किया था हर परिस्थिति को। फिर आपको लगेगा इसका समाधान क्या है? इसका समाधान वह है जो उस योगी ने बोला, वह तो समाधान है, पर उस योगी ने किया वो सबसे बड़ा समाधान है। जब वो इतना बड़ा समाधान है तो फिर हमको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? फिर चिंता की कोई भी तो बात नहीं है। जो कहे करे जाओ, ये तो मस्ती भरी बात है। मेरा सौभाग्य नहीं है, मैं भी स्वामी जी को कई बार कहता हूं महाराज जी मुझे भी तो बता दो मुझे क्या करना है, मेरे को तो
वो सब कुछ करना पड़ता, जो नहीं कहते हैं वो भी सारे काम देखना पड़ता है, आपको जो कहें वो उसको करने के लिए कहते हैं, ये आपका सौभाग्य है, तो इसको सौभाग्य बने रहने दो, इतने में तुम्हारा भी भला है और देश का भी भला है। इसको बना करके रखिए, आनंद से जिए। मैंने भी आजकल ऐसे ही सोचना शुरू कर दिया है, स्वामी जी ने इतना काम लगा दिया है ना, सुबह से शाम तक काम ही करता रहता हूँ, फिर मैंने सोचा ये तो काम ही काम है, यदि इसको सोचने लग जाएं तो बड़ा दिमाग के अंदर प्रेशर और बेचैनी रहती है, मैंने सोचा कि हमको तो इसी में आनंद लेना चाहिए, तो मैं भरपूर आनंद लेता हूँ, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन भर आप मेरे को बैठा दो, दिन भर दौड़ा दो, दिन भर कूदा दो, कुछ भी कर लो, आनंद लेना सीखो, क्योंकि वह आनंद यदि कार्य दूसरे के लिए है, कार्य दूसरे के लिए है, तो उसके परिणाम को सोचने मात्र से वो आपको आनंद मिलेगा कि इस कार्य की सिद्धि होने पर देश, संस्कृति, लोगों के जीवन, लोगों की समृद्धि के साथ में सांस्कृतिक उत्थान में हमारा क्या योगदान होगा, ये सोचने मात्र से ही तो आपका मन पुलकित और प्रसन्न हो जाएगा। पर वो कार्य का परिणाम अपने लिए सोचते हैं तो न जाने उसका फल कब मिलेगा, कब उसको हमको कब आनंद देगा, इसीलिए सेवा को परम धर्म कहा गया, इसीलिए सेवा को सर्वोत्कृष्ट स्थान पर हमारी परंपरा में रखा गया, इसीलिए रखा गया क्योंकि ऋषियों को पता था, उनको कहना पड़ा सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य, कि कोई ऐसी चीज है दुनिया में जिसके रहस्य को, जिसके गहराइयों को योगियों ने भी नहीं जाना है, तो कहा है ना वो सेवा है, तो जो आप लोग कर रहे हैं यह सेवा का कार्य है, ये सेवा की सिर्फ भावना की बात नहीं है, मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, आवेग में आकर के, भावना में बह करके, क्षणिक ऊर्जा से परिपूर्ण होकर के शायद फांसी पर झूलना इतना दुस्तर नहीं होता है जितना तिल तिल अपने को एक मिशन के लिए, अभियान के लिए लगा करके पूरे जीवन को खटाना, ये कठिन दुस्तर कार्य होता है। तो इसीलिए कहते हैं देश के लिए मरने का समय था, हमारे वीर और शहीद मर गए, अब देश के लिए जीने का समय है, तो कम से कम हम देश के लिए जीने की सोचें, हम देश को मजबूत करने की सोचें, और देश मजबूती के लिए अंगड़ाई ले रहा हो तो हम उसमें विघ्नकारी नहीं जितना बन पाए, हमको सहयोगी बन करके दिखाना है, यही श्रद्धेय स्वामी जी का संदेश हमारे लिए है। तो इसी भाव में आप जीते हैं, एक आदेश मात्र से दूर दूर से अपने कार्यों को छोड़ करके, अपने विभिन्न परिस्थितियों को छोड़ करके पहुंच जाते हैं, इसलिए क्योंकि यहां से आपको ऊर्जा, शक्ति और अंदर से एक तरह से ताकत की जो अथाह सागर है उसमें डुबकी लगा करके, उस ताकत से परिपूर्ण करके श्रद्धेय स्वामी जी यहां से भेजते हैं। तो आगे उसी तरह से जो कार्य आप कर रहे हैं, अभी आप लोग बहुत सीख गए हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हो गए हैं, अब आपको कार्य करने की कला भी आ गई है, स्वामी जी ने इतना घोट घोट करके, रगड़ रगड़ करके तुमको पक्का कर दिया है ना, आंदोलन क्या होता है, योग की कक्षाएं क्या होती हैं, जनसंपर्क क्या होता है, व्यवहारिक क्या होती हैं, अब तो धीरे धीरे घुट्टी पिलाते पिलाते हमारे कर्तव्य की क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, हमारी आध्यात्मिकता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, वो सब कुछ तो सिखा दिया है, अब उसको क्रियान्वयन करने की सोचिए, क्रिया में परिणित करिए। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत प्रतिष्ठित व्यावसायिक व्यक्ति के, वो घराने के लोग आए थे, हेलीकॉप्टर लेकर के आए थे, मैं गया, मैंने देखा, स्वाभाविक होता है गाड़ी में हनुमान जी रख दिए, घर में रख दिया, अच्छा लगता है, प्रेरणा भी मिलती है, परंतु हम ऐसा सोचने लगे कि मोबाइल पे उनका था कोई भगवान जी, हर 2 मिनट के बाद मैं देखूं, मेरे को लगा कुछ कुछ गिर गया हो, तो कई बार कर देते ना, कोई पैर में लग गई हो, मैंने सोचा ऐसा तो नहीं, फिर देखा फिर मोबाइल निकला, मैंने सोचा ये क्या बला है,
एक घंटे में कम से कम 50 बार कर लियूंगा, हर 2 मिनट में या 1.5 मिनट में एक बार। मैं कहा फिर ये रोटी खाते भी ऐसे करते होंगे, बैठते उठते भी। तो मैं कह रहा हूं ये अंतर से होनी चाहिए, यानी कि जो स्वरूप है वो अंदर उतरनी चाहिए। उधर अंदर उतरेगा ना तो बार बार आधार नहीं तलाश करोगे। यदि अंदर नहीं उतरेगा फिर आधार ढूंढते रहोगे। कि जैसे आपको लगता है ना कि कोई मेरा घर का कोई व्यक्ति है, उसको लगता है कि जैसे छोटे बच्चे को मेरी माँ मेरे पास में, फिर उसको चिंता नहीं, उधर भी नहीं देखेगा, मस्ती से रहेगा। जब उसको पता रहता है ना कि माँ गई, माँ माँ माँ, तब करता रहेगा। तो कम से कम अपने अंदर में धारण कर लो तो इतनी नौबत नहीं आएगी, तो आप तब पक्के बन पाओगे, इतनी सी बात है। तो धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, जीवन में उसकी क्या आवश्यकता है, सदैव स्वामी जी बार बार बताते हैं। इन गहराइयों को समझो। यह मनुष्य जन्म यह दुर्लभ है, पर यह मनुष्य जन्म भय में जीने के लिए नहीं है। यह दुनिया कायरों के लिए नहीं है। ये वो भय किसी भी चीज का हो, धर्म हमको भय मुक्त करता है, धर्म हमको भयभीत कहना नहीं सिखाता। इसको सीखो, धर्म के नाम पर भय पैदा किया जाता है, परंपराओं के नाम पर हमको भयभीत किया जाता है। तो वह कोई भी कार्य जो हमको हमारे जीवन में उन्नति, ये हमारे धर्म पूर्ण 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 वैज्ञानिक धर्म है। हमारी क्रियाएं, एक एक चेष्टाएं, एक एक पर्व त्योहार, सब कुछ विज्ञान सम्मत है। कभी वो बताएंगे आपको, हमारे आहार खान पान भी, पूरे देश में जो भोजन की विविधता है वो भी विज्ञान सम्मत है। हमारे पूजा पाठ में भी जो पंचामृत वगैरह देते हैं, वहां तुलसी दल डाला जाता है, ये सब भी विज्ञान सम्मत है। जो माला मूला भी डाल लेते हैं ना, फैशन में डालते हैं आजकल के बाबा लोग, अलग बात है, पर वो विज्ञान है। वो तुलसी तुम्हारे गले के इन्फेक्शन को रोकती है, ये जो ऊर्ध्वजत्रु है ना, ये गले से ऊपर की बीमारियों को रोकने में काफी हेल्प मिलता है। पर वो संप्रदाय की चिन्ह हो गया तो लोग दूसरे धारण करते नहीं, धारण करने वाले फिर स्टाइलिश बनाकर धारण करते हैं, देखने वाले सोचे कि ये तो बिल्कुल संप्रदाय का पक्का है, वो गड़बड़ बात हो गई। रुद्राक्ष तुम्हारे हृदय को ठीक रखता है, फैशन में जो है अपना डाल लिए तो ठीक है, डाल लो फैशन बना लो, पर ये इनके विज्ञान को समझो। ये बहुत सारी चीजें हैं समझने की। तो हम कार्य को, हम अपने जीवन को, हमारे ऋषि लोग पूर्ण वैज्ञानिक थे, उस पूर्ण विज्ञान को सदैव स्वामी जी ने पुनर्स्थापित करने का कार्य, महान कार्य किया है। और आप और हम सब का सौभाग्य है कि उनका अनुगामी बन करके उस मिशन और अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमको मौका मिला है। तो इसको नहीं खोना है हमको, बस इतनी ही बात है। अभी आप लोगों को इसी अभियान को, इसी कार्य को, देखिए खत्म होने वाला काम नहीं है। आंदोलन कभी कभी होते हैं, आंदोलन कभी कभी करना है, ठीक है। अभी अभी शांति से रहो, जरूरत पड़ेगी फिर करेंगे। तो अब तो पक्के हो गए हो ना, ट्रेनिंग हो रखी है, अब तो डर भी नहीं लगता होगा थोड़ा। तब तो कुछ कुछ डरे भी थे, बहुत सारे निर्भर भी थे। देखो मुस्कुराहट आ रही है दूर से, तो अब पक्के हो गए सारे, क्योंकि जो कच्चे कच्चे थे ना वो छट गए। वो पेड़ होता है ना, जब नया नए पौधे आते हैं ना, फूल खिल रहे होता है तो लगता है सारे फल बनेंगे, फिर छोटे छोटे फल लगते हैं तो लगता है सारे बड़े बड़े हो जाएंगे। तो आंधी तूफान और फिर मौसम खराब होना, सब चीज़ों से धीरे 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 जब फल बढ़ते जाते हैं ना, तो मजबूत मजबूत उस डाली में रह जाते हैं। तो मजबूत मजबूत हो तुम सारे। तो अब तक नहीं टूटे, तो फिर टूटने की कोई अब गुंजाइश भी नहीं है। तो इसीलिए यह कार्य निरंतरता का कार्य है, ये क्षणिक कार्य नहीं है। तो शिथिल नहीं होना, एक बार गुरुजी ने कह दिया, बार बार कहने की जरूरत नहीं, जीवन भर के लिए हो गया ना, जीवन भर के लिए हो गया। तो उन आदेशों का, उन शिक्षाओं का, चाहे वह स्वयं में आचरण करना हो, चाहे लोगों में पहुंचाना हो, दोनों ही कार्य निरंतरता के कार्य हैं। आप इनको अच्छी तरह से कर रहे हैं और अच्छी तरह से करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। सदैव स्वामी जी का आशीर्वाद है, मेरा तो इतना ही मन करता है। हालांकि कुछ भाई लोग पहुंच गए थे,
कुछ जड़ी बूटी सी लेकर के, कोई बहुत सारी चीजें हैं आप लोग बताना भी चाहते हैं। कई बार होता है संगठन की बहुत सारी बातें होती हैं, थोड़ा कभी एक दूसरे के प्रति समझ में तो कुछ कहीं थोड़ा बहुत भेद रह जाता है। ये सामान्य सी प्रक्रिया है, ये मानव की प्रक्रिया है। हाँ, आप बहुत अच्छे हो ये अच्छी बात है, पर दूसरा खराब है ये बुरी बात है। दूसरे में भी सुधार करके आप अच्छा बना सकते हो, दूसरे को समझने का प्रयास करें तो वह संगठन की शक्ति का काम करता है। छोटी छोटी चीजें, वो भी आपका भाई है, वो आपकी बहन है, पर होता क्या है, ये जो दोष होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत सारे गुण भी कभी कभी एक दोष की वजह से दब जाता है, इसको समझिए। तो कार्य की निरंतरता, उसी तरह से जागरूकता की भी निरंतरता चाहिए, सजगता चाहिए, सावधानी चाहिए। यहां शिथिलता और प्रमाद के लिए कोई जगह नहीं है। यह संगठन की ताकत है और उसके आप संवाहक और उसके आप एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, ये बनकर के आपको दिखाना है। तो आप सब लोगों को मेरी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि थक रहे हो। मर्दे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा था, सुनो 5 बजे पहुंच जाना। मैं आया वैसे भी थोड़ा लेट, 5:30 बज गए थे। हमारे सांसद महोदय बड़े जोरदार बात सुना रहे थे, तो बाकी हमने आपको बता दी है। देखो, कर्म शब्द उन्हीं शब्दों को बोलने के लिए, एक बार शब्द सीखने के बाद में अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। काम करने के लिए, एक ही काम को करने के लिए भी बार बार ऊर्जा से युक्त होना पड़ता है, तभी काम हो सकता है। तो इसीलिए ऊर्जा से युक्त होकर के निरंतर कार्य में संलग्न रहिए, क्रियाशील बनिए, यही हमारी शुभकामना है। और बाकी अभी हमारा भी, क्योंकि देशाटन, पहले तो मैं बहुत कम बाहर जाता था, अब मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि मैं कैसे सब जगह जाऊँगा। परंतु आने वाले समय में मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि पहले से मैं कई बार आप लोगों को बताता रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। आप मेरी हर रोज की रिपोर्ट भी ले सकते हो, पर मैं अपने आप ही बता देता हूँ, आने वाले 2 साल के अंदर अंदर इतना ही कह सकता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर एक देश में, किसी भी देश में, कुछ एमएनसी थोड़ी, उनकी साइज थोड़ी बड़ी है, उनको छोटा करने में टाइम लगेगा, पर एक देश का किसी भी कंपनी का सेटअप से हमारा सेटअप बड़ा होने में मात्र 2 वर्ष का लगभग समय लगेगा, इतना ही कह सकता हूँ। क्योंकि बाकी श्रद्धेय स्वामी जी बता ही देते हैं, इतना समझिए, वो हमारा लक्ष्य है। इसी तरह से जो किसानों के साथ जोड़ करके जो बैकवर्ड लिंकेज का काम है, फॉरवर्ड लिंकेज का जो काम है, वो बड़े लेवल पर हम 2 साल में, हमारा लक्ष्य है कि कम से कम हम 10 लाख परिवार से ज्यादा किसान परिवारों को उस अभियान के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हम जोड़ करके उस अभियान में सम्मिलित करें, ये लक्ष्य है। इसी तरह से रिसर्च का भी बड़ा लक्ष्य है, उसका एक बड़ा स्वरूप अभी तैयार हो रहा है। इसी तरह से साहित्य और बाकी लेखन में भी हम बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, और जो नित्य प्रति के जो कार्य हैं उनमें भी हम लगे हुए हैं। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, पूरी ताकत से, ऊर्जा से, इसी भावना से जुटे रहिए, और जो आप जिस तरह के देश को देखना चाहते हैं, अनुकूल वातावरण है, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी टीम एक दृष्टि को लेकर के आगे बढ़ रही है। हम सवेरा होता हुआ देखना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने की ताकत भी हमारे अंदर आ जाए, इतनी सी बात है। सवेरा होगा, इतना जो गहन अंधेरा होता है ना, वो अंधेरे में डंडे बजाने से, लठ पीटने से वो अंधेरा नहीं भागेगा, दीपक चलने से, सूर्य के उदय होने से सवेरा होगा, प्रकाश होगा। उसके लिए भी थोड़ी सी समय की आवश्यकता होती है। यदि मैं उसको दर्शन की भाषा में कहूं, हम आपकी शीघ्रता का सम्मान करते हैं,
परंतु शीघ्रता के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। हमारी देश की समृद्धि सोने की चिड़िया, वह चिड़िया रहित हो गई है, मिट्टी की भी नहीं रही। तो पुनः ऐसी गलती को हम ना दोहराएं, भविष्य को देख करके, आने वाली पीढ़ियों के लिए सोच करके हम दृढ़ रहें। क्योंकि मन को कमजोर करने के लिए, मन को कमजोर करने के लिए हजारों बातें हो सकती हैं, मन को मजबूत करने की बात यह है कि यह श्रद्धेय स्वामी जी के स्वप्न के अनुसार यदि कार्य हो रहा है तो अच्छा होगा। एक ही बात बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत आशीर्वाद।